उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो धरना है वो अब भी जारी है। 50 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और आंदोलन ये अब भी तेज है। बता दें कि लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है सरकार पूरी तरह से, लेकिन अभी असफल साबित हो रही है। वेतन बढ़ाने और अलग अलग मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स धरने पर है और प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर रैली भी निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार लगातार मांगों की अनदेखी कर रही है। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलनरत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला वेतन इतना कम है कि घर चलाना भी कठिन हो गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 26 जनवरी तक मांगों को मान लिया जाएगा तो वो सभी आंदोलन समाप्त कर वापस अपने कामों पर चली जाएंगी। अगर सरकार ऐसे ही मांगों की अनदेखी करती रहेगी तो मजबूरन आंदोलन जारी रखना होगा। तो 50 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार चेतावनी यहां पर दी जा रही है कि आप मांगों को हमारी पूरा करें, नहीं तो नतीजा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हर जिले में इस दौरान जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हुए हैं। तस्वीरें पिथौरागढ़ से हैं, उत्तरकाशी से हैं, पौड़ी से हैं, साथ ही चंपावत, देहरादून और चमोली से। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग जिलों की, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मांगों को लेकर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बैठी हैं, अब कहीं ना कहीं जो सब्र है वो इनका टूटता चला जा रहा है। और ऐसे में 26 जनवरी तक का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं सरकार को दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो मांगे हैं आप पूरी करें, नहीं तो ये जो धरना हमारा 50 दिनों से जारी है वो आगे भी अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। तो वेतन बढ़ोतरी की मांग यहां पर की गई है और कई ऐसी व्यवस्थाएं और कई ऐसी सुविधाएं जो लंबे समय से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलनरत हैं। प्रमोशन में अपनी आयु सीमा हटाने की मांग यहां पर इनके जरिए की गई है, वेतन बढ़ाने की मांग की गई है और राज्य कर्मचारी घोषित करे सरकार, ये भी इनकी मांगों में शामिल है। वही सम्मान कार्य, सम्मान वेतन, इसकी भी मांग यहां पर की गई है। तो 13 जिलों में हाहाकार है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। 18,000 रुपये प्रति माह वेतन करने की मांग, इनका कहना है कि जितनी तनख्वाह मिलती है उससे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता और ऐसे में वेतन बढ़ोतरी की जाए। तो दीपावली के बोनस की भी मांग यहां पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए की गई है और इसके साथ ही प्रमोशन में आयु सीमा हटाने की मांग। तो ये प्रदर्शन लगातार चरम पर है और ऐसे में चेतावनी जहां एक तरफ 26 जनवरी को लेकर दी गई है कि 26 जनवरी तक अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो ये जो प्रदर्शन इतने दिनों से चला आ रहा है वो आगे भी यूं ही जारी रहेगा। तो कोशिश अभी तक देखा जाए तो सरकार की तरफ से नहीं की गई है, हालांकि आश्वासन इनको वक्त वक्त पर दिया जाता रहा है, लेकिन नतीजा अंत में कुछ नहीं निकला, जिसके चलते अब प्रदर्शन 50 दिन से लगातार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जारी है और देखना होगा कि आखिरकार ये प्रदर्शन इनका खत्म होगा, क्योंकि अभी तक सरकार के जरिए इनसे कोई भी वार्ता अभी तक नहीं की गई। तो अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनबाड़ी कर्मचारी हमारी जो मंत्री जी हैं, महिला होने के बावजूद भी वो ये बयान दे रही हैं कि केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3 घंटे का काम होता है। हमारी मंत्री जी, हमारा ये कहना है कि वो आके महीने हमारे केंद्रों को देखें और अपना काम करें। हम जो हैं सरकार को जताना चाह रहे हैं कि क्या आज 46वां दिन हमको हो गया है और सरकार जो है धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध के जो है चुपचाप बैठी है कुर्सी में, वो नहीं समझ रही है कि आंगनवाड़ियों का दुख दर्द क्या है। यही है सर, छोटी सी बात है भाई हमारी, कि हमें मतलब उचित काम के बदले उचित दाम दिया जाए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सरकार से, क्योंकि हम लोग सरकार ने हमसे जितनी भी अपेक्षाएं रखी हैं आज तक हमने उस पर खरे उतरे हैं, है ना, कोई भी प्रोग्राम हो, लेकिन इस बार हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ मतलब इतना दो कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना। जो मिनी बहनें हैं उनका समान कार्य पर उन्हें समान वेतन दिया जाए, उनके केंद्र का उच्चीकरण किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि सहायिका बहनों का जो मानदेय हो हमारे मानदेय के 75% किया जाए। और चौथी मांग हमारी है
कि जो सुपरवाइजर के पद पर हमारी विभागीय पदोन्नति की जाए और 45 वर्ष की बाध्यता हटाए। ये तो हमें कई बार दे दिया है नोटिस, बकायदा हम अधिकारी को भी दे दिया है, अध्यक्ष को है, जो सचिव है उनका भी एक लेटर स्पेशल बना दिया कि आप लोग अगर केंद्र पे वापस नहीं आएंगे तो हम आपके लिए कठोर कार्रवाई करते हैं। तो मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि आप कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है, आपको भी लगता है कि हम लोग काफी काम करते हैं, इसलिए आप लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं। और सौरभ भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, अब सख्त चेतावनी यहाँ पर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए दे दी गई है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो इतने दिनों से तो हमारा धरना जारी ही है, आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है आंदोलनरत है, लगभग 50 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसी ठोस पहल नहीं हुई है एक तरफ जो है, और सरकार की तरफ से एक चेतावनी दे दी जाती है कि आंदोलन समाप्त किया जाए और ना जो है आपकी सेवाएं बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको जो है हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी आंदोलनरत है, क्योंकि ये आंदोलन आज से नहीं, कांग्रेस सरकार के टाइम से चल रहा है, ये लगातार इस तरीके की मांगे पहले भी होती रही, क्योंकि सात सूत्रीय मांगे जिसमें इन्होंने मानदेय बढ़ाने की बात की है कि 600 रुपए से बढ़ाकर उसे 18,000 किया जाए, जिससे इनको लाभ मिल सकेगा, लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई इनसे चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, जिसके चलते इनका गुस्सा और सातवें आसमान पे है। अब एक बार फिर इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, यदि जल्दी इनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल अभी 50 दिन हुए हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है जी। लेकिन सौरभ, इस बीच एक बार मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था कि जो भी प्रदर्शन चल रहे हैं उनको खत्म किया जाए, आश्वासन देते हैं कि आपसे बातचीत करेंगे और कुछ बिंदुओं पर हमारी सहमति बनेगी, अगर तमाम मांगों को पूरा भी नहीं किया जाता तो कुछ मांगे हैं जो पूरी की जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वार्ता नहीं की गई है इनसे? देखिए अभी तक कोई ऐसी ठोस वार्ता नहीं हुई है, बार बार आश्वासन जरूर मिले हैं, जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन के बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई भी चीज मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार के किसी भी मंत्री की तरफ से अगर कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसे पूरा किया जाए, लेकिन आश्वासन पूरे नहीं होते हैं, जिसके चलते इन लोगों को आंदोलन भी करना पड़ता है। इससे पूर्व में अगर बात की जाए पूर्व सरकारों की, तो हरीश रावत सरकार के दौरान भी इन लोगों का ये आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये सहमति जरूर बनी थी कि इनकी मांगों पर अमल होगा, इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन मानदेय अब तक नहीं बढ़ा है, जिसके चलते आज फिर ये आंदोलन की स्थिति पैदा हुई है। सरकारों को इस तरीके के आंदोलन पर ठोस पहल करने की जरूरत है, जिससे इस तरीके का आंदोलन ना हो और लोगों को जो जो सरकारी सेवाओं में है या जो सीधे लोगों से जुड़े हुए जो विभाग है वो आंदोलन पर ना जा सके, कोई ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की मांगे उठती हैं, लेकिन मांगे पूरी ना होने के चलते ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, जिसके चलते सरकारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर भी नहीं उतर पाती हैं जी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जाए तो सौरभ, अब गुस्सा भी इन प्रदर्शनकारियों का देखने को मिल रहा है, इन वर्कर्स का देखने को मिल रहा है। रेखा आर्या ने एक यहाँ पर बयान दिया था इनको लेकर, और उसी पर उनका जो गुस्सा है फूट पड़ा। उनका कहना है कि अगर उतने मानदेय पर एक दिन भी काम कर ले तो मान जाएंगे रेखा आर्या को। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो विभाग के मंत्री को भी जो है चेतावनी दी है, अगर जो इस तरीके के बयान देती हैं मंत्री तो उनको धरातल पर आकर काम करने की जरूरत है, जिससे उनको पता लगे कि आखिरकार कितना मानदेय मिल रहा है और कितने जो है खर्चे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर इनका ये भी कहना था कि जितना मानदेय इनको मिलता है उससे घर का जो है कम से कम खर्च भी नहीं हो पाता है, जो इनकी मूलभूत सुविधा है, जो इनको जो चीजें चाहिए, मूल चीजें चाहिए, वो तक पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में इस तरीके का बयान देना जो है खुद में जो है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इनके द्वारा ये भी कहा गया कि शर्मनाक है, मंत्री को खुद जो इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने कम मानदेय में कौन काम कर पाएगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य कर्मचारी घोषित और वेतन बढ़ाने की मांग इन प्रदर्शनकारियों के जरिए, लेकिन अभी तक सरकार से कोई वार्ता यहां पर नहीं हो पाई।